अपने मतलब पूरी जिंदगी अच्छे काम किए उसने, ठीक है, अपनी जिंदगी उसने ना दूसरों के लिए बिता दी, ऐसा काम कर रहा है, ठीक है, उसने मतलब बहुत कुछ करा है लोगों के लिए, बहुत अच्छे काम किए हैं, पर वो ना एक नॉन मुस्लिम है, ठीक, तो क्या उसको अब मतलब कयामत के दिन मतलब उसको ये होगा कि अब उसको सिर्फ नर्क में डाल देगी? तो मेरे हेलो गाइस, इट्स वंशिका नैनता। एवरीवन, माय नेम इज गुल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाले कि जो औरत है, हम लोग हैं, तो हमारे साथ कयामत में क्या होगा, और बीइंग अ वुमेन आई एम सो एक्साइटेड टू नो कि जब हमारा एंड पास आएगा तो हमारे साथ क्या होगा। हमें आई होप इसमें पूरी दुनिया की औरतों के बारे में बताया हो, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही नहीं कवर की हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और जब मैं इसका मैंने टाइटल पढ़ा ना, तो मैं टाइटल देख कर ही ऐसी थी कि नहीं, वी गोना रिएक्ट ऑन इट, कुछ मर्जी हो जाए, क्योंकि मेरे को ना एक ऑब्वियसली यार हम लोग सबके दिल में ना क्यूरियोसिटी तो रहती ही है कि यार जब हमारा एंड पास आएगा, जब मौत आएगी तो क्या होगा, मौत के बाद क्या होते हैं, ये कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें हमें हमेशा एज अ ह्यूमन बींग हमने सबने क्यूरियोसिटी दिखाई, ये एक आदमी नहीं, दो आदमी नहीं, सब है। तो इसमें आप देखना चाहते हैं जो औरत होगी, स्पेसिफिक औरत, उनके साथ क्या होगा, इसमें मेल के बारे में नहीं है। और हम लोग कुछ टाइम बाद ऑब्वियसली वी गोना रिएक्ट ऑन मेल टू, क्योंकि हम लोग को ही जानना है कि यार हमारे फैमिली में हमारे फादर है, फादर है, भाई है ना, तो हम लोगों को जानना तो ऑब्वियसली होगा कि उनके साथ क्या होगा। तो सीरियसली मैं तो उस वीडियो को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। या सेम हियर, इसका जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव है कि औरत से कयामत पे पहला सवाल क्या होगा। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, और जब हम अपने अंदर झांकते हैं ना, तो हमें अपने अंदर हज़ार गुना, हज़ार हामियां नज़र आती हैं कि यार मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, कुछ भी हो सकता है। कोई बंदा भी है ना, वो ऐसा नहीं है जिसने कोई गुनाह नहीं किया हो, ठीक है। तो ये मेरे में यही आता है कि यार हमने तो इतने सारे गुनाह करते हैं, जाहिर है इंसान तो होता ही गलती का पुतला है। तो जब अब औरत से पहला क्वेश्चन कौन से गुनाह के बारे में होगा या कौन सी चीज़ के बारे में होगा, मैं ये सुनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इसको देखने के बाद हमें पता चलेगा, और इंशाल्लाह से इसके ऊपर हम अमल करेंगे कि अपने अंदर से वो चीज़ दूर करें या वो चीज़ ऐड करें, जो भी इसके अंदर हमें बताया जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्ची का। औरतों से कयामत में सबसे पहले क्या सवाल होगा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन औरतों से सबसे पहले नमाज के मुतालिक सवाल किया जाएगा कि पाबंदी के साथ वक्त पर अदा किया था कि नहीं। फिर शोहर के मुतालिक सवाल होगा कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया था। इस हदीस के फ़ायदे में लिखते हैं, हशर का मैदान जो कल्ब व जिगर को पिघला देने वाला होगा, उसमें आम मुसलमानों से ख्वाह मर्द हो या औरत, सबसे पहला सवाल नमाज के मुतालिक होगा। कयामत के दिन जो जान को पिघला देने वाला होगा, इस दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, अगर ये सही निकला तो दूसरे आमाल भी सही निकलेंगे, अगर इसमें गड़बड़ हुई तो दूसरे आमाल में भी गड़बड़ ही होगी। औरतें नमाज में भी कोताही करती है, नई उम्र की जवान औरतें अक्सर तारक नमाज होती हैं, कुछ तो बहाना बनाती हैं, बच्चों का पेशाब कपड़े में लगा रहता है। अफसोस के ये सब बहाने कयामत में नहीं चलेंगे, जब सज़ा मिलेगी तब पता चल जाएगा। इसलिए औरतों को चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें, घर की बड़ी औरतों को चाहिए कि छोटी उम्र ही से पाबंद सलात बनाएं। शुरू उम्र की आदत और पाबंदी का असर पूरी उम्र बाकी रहता है। फ़राइज शरिया के मुताबिक औरतों से शोहर के हुकूक और उनकी खिदमत के बारे में सवाल होगा। आजकल के दौर की वो औरतें जो मुलाजमत करती हैं, ऑफिस दफ्तर वगैरह में काम करती हैं, वो शोहर की खिदमत में कोताह होती हैं, हत्ता के ऐसी औरतों से खाने तक की सहूलत नहीं मिलती। ऐसी कोताही कल क़यामत में काबिल गिरफ्त होगी। अल्लाह पाक हम सबको इस हदीस को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बात बताऊँ, मुझे ऐसे लग रहा था कि ये ना सारी दुनिया की औरतों के लिए क्वेश्चन होगा, ठीक है, पर ये ना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। अब मेरी एक चीज़ आप बताओ, ठीक है,
कि एक तरफ एक इंसान है ठीक है, जिसने पूरी जिंदगी ना अपने मतलब पूरी जिंदगी अच्छे काम किए उसने, ठीक है, अपनी जिंदगी उसने ना दूसरों के लिए बिता दी, ऐसा काम कर रहा है, ठीक है, उसने मतलब बहुत कुछ करा है लोगों के लिए, बहुत अच्छे काम किए हैं, पर वो ना एक नॉन मुस्लिम है, ठीक, तो क्या उसको अब मतलब कयामत के दिन मतलब उसको ये होगा कि अब उसको सिर्फ नर्क में डाल देगा? तो मेरा मानना ये है कि आपका ना, हाँ ठीक है, नमाज पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नमाज हो गए, प्रेयर्स करना हो गया, मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन जो मैं बुक पढ़ रही हूँ ना यार आजकल, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसमें यही बोलते हैं कि यार आप ना प्रेयर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आपके पीस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नमाज है वो आपकी शांति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मंदिर जा रहे हो, आप प्रार्थना करो, आपके लिए बहुत शांति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि आप ना कुछ अगर भगवान से मांग रहे हो, ठीक है, इसका क्या लेना देना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अगर हम चीज़ ना कुछ बार बार भगवान से मांगते हैं, कुछ एक पावर है उससे मांगते हैं, तो क्या होता है वो हमारे ना सही हो जाता है, क्योंकि इसको बोलते हैं, उससे क्या होता है कि हम लोग जब बार बार वो चीज़ कर लेते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को मान लेता है और उस चीज़ को हासिल करने के लिए उस पर काम करता है। और मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ भी चीज़ चाहिए ना, तो मैं अपने दिमाग में वही दिन में 10 बार प्रे करती हूँ, ये हो ये हो ये हो, और लिटरली वो चीज़ें मुझे मिलती है। और आप प्लीज़ ट्राई करना, क्योंकि नमाज भी यही करता है, और अगर आप ये चीज़ करते हो तो वो भी यही करता है, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बोला कि जो औरत काम करती है, ठीक है, वो अपने पति का वो नहीं करे, यार ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर एक वर्किंग वीमेन है, ठीक है, अगर वो मतलब जो वर्किंग वूमेन है ना यार, वो सीरियसली बहुत वो कुछ इतना बड़ा कर रही है ना, जो मर्द सीरियसली मैन कभी नहीं कर सकता, वो अपनी फैमिली को हैंडल कर रही है, ठीक है, अपने बच्चों को संभालती है, ऊपर से तुम्हारा काम पर जाती है, ठीक है, वो पहले सुबह उठती है, अपने घर का काम करती है, फिर उसके बाद पैसा कमाती है, फिर उसके बाद वापस घर का काम करती है। तो सीरियसली एक आदमी ये चीज़ कभी नहीं कर सकता जो काम औरत कर सकती है। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, और अगर मैं किसी की इमोशंस के साथ खेल रही हूँ तो आई एम लिटरली सॉरी। मैं सिर्फ मैंने अपना ओपिनियन या बाकी नमाज वाले पॉइंट से मैं बहुत ज़्यादा सही बोल रहे हैं वो, उससे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि उन्होंने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन जो वो वाला पॉइंट आया औरत वाला, उससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो एज आ मुस्लिम मुझे तो दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। देखो, अगर नमाज है तो नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि सबसे पहले हमारे ऊपर नमाज़ें फ़र्ज की गई थी, वो भी 5 नमाज़ें हैं, तो ये हमारे पे फ़र्ज है। तो वो तो ज़ाहिर बात जो चीज़ फ़र्ज है ना, उसके ऊपर तो आपसे क्वेश्चन तो लाजमी ही होगा, ठीक है, वो हमने करना है। अब वो हमारी कोताहियाँ, वाकई में जैसे इस वीडियो में बताया गया कि हम लोग बहाने लगा देती हैं, ये है वो गया, हम लोग नहीं पढ़ सके, लेकिन ये जो चीज़ फ़र्ज है वो फ़र्ज है, वो आपसे क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब जो सेकेंड क्वेश्चन आ गया इसका कि अपने शोहर की फरमाबरदारी करनी चाहिए, उसके हकूक़ पूरे करने चाहिए, तो वो इन दैट सेंस बोला गया है कि एक एक रिस्पेक्ट होती है, एक आपका प्यार होता है दिल से, एक अट्रैक्शन होती है हस्बैंड और वाइफ के अंदर ना, जब शादी या हिंदू शादी और हमारा निकाह जो होता है ना, जब निकाह हो जाता है ना, तो हमारा मानना ये है कि अगर इंसान को पहले शादी से पहले अगर कभी भी नहीं मिले, एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं है, लेकिन आपका निकाह हो गया है ना, तो निकाह के बाद आपके दिलों में एक दूसरे के लिए खुद ही अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, वो एक अलग की तरफ से एक ना मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाता है। तो वो ये चीज़ है कि आपको जो बीवी है उसको चाहिए कि वो अपने हस्बैंड के दिल से इज्जत करे, क्योंकि हमने एक हदीस मैंने पढ़ी है कि अगर अल्लाह ताला के बाद किसी को सजदा करने की इजाज़त होती तो वो उसका शोहर है, ठीक है, वो उसका मजाजी खुदा होता है। तो ये मैंने हदीस पढ़ी थी, वो इन डैट सेंस कह रहे हैं कि आपको मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका अदब करना चाहिए, उनके मतलब के अपनी जो आपकी जिम्मेदारियाँ पूरी करने की। आगे वो जाहिर है, आप जैसे आप आजकल का ज़माना है, मॉडर्न एज जा रही है, एक बंदा कमाता है उसके साथ गुजारा होता ही नहीं है, जाहिर है हस्बैंड वाइफ को मिलकर काम शाम करने पड़ते हैं सारे, मतलब के वो एक्सपेंसिस भी वो दोनों को मतलब के मिलकर मैनेज करने पड़ते हैं, घर के काम भी मैनेज करने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल दौर ही ऐसा आ गया, आजकल वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए हैं कि औरत जो है वो सफाइयाँ घर का करे, खाना वगैरह ये करे वो करे, आदमी जो बाहर है, नहीं, अब आदमी और औरत दोनों मिलके कमाते हैं और दोनों मिलके घर का मैनेज करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये था कि अगर वो कोऑपरेटिव हैं।
एक चीज तुमने कुछ जी बहुत ज्यादा अच्छी करी कि औरत को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरा मानना भी है कि जब आप हाँ शादी करो ना, सिर्फ औरत को नहीं यार, इवन औरत दोनों को ही रिस्पेक्ट दोनों करनी को चाहिए। वही मैं कह और रही, कोऑपरेटिव होना हाँ चाहिए दोनों को। हाँ सिर्फ, और मेरे को हाँ यही है कि प्यार अगर है, रिस्पेक्ट अगर है, और फिर अगर तुम वर्किंग होना है यार, तो फिर वो चीजें मैटर नहीं करती है। बस तुम्हारे हाँ को ये होना चाहिए कि तुम्हारे को अब हाँ दोनों फैमिली वालों को, एक दूसरे की फैमिली की रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। हाँ मेरा मानना ये है। वही ना, बस मतलब ये है कि जो औरत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड को देखे, उसके लिए बनाव सिंगार करे, किसी गैर मर्द के लिए वो ना सोचे, उसके पास ना जाए। बस ये चीज़ें हमारे इस्लाम में, और मुझे लगता है हर अकीदे में ये चीज़ें होती हैं। जब आपकी शादी हो गई है तो बेशक वो हिंदू है, कोई मुसलमान है, उसके लिए उसका हस्बैंड सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद सही शादी के बात, बाद फिर वो कोई ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इस वीडियो में ये बात की है, तो मुझे तो ये वीडियो, मुझे दोनों बातें बहुत अच्छी लगी। और लेकिन ये है कि अपना आप एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि एक रिलीजन का भी होता है, और समझने भी थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन मुझे ये दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, दोनों क्वेश्चंस। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप इस बारे में क्या सोचते हो, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। और हाँ अगर मुझसे, स्पेशली मुझसे अगर कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ कर देना, और प्लीज मुझे समझाना प्यार से कि वंशिका ऐसा ऐसा हाँ होता है, हाँ ऐसा कमेंट ऐसा में आप लोग होता है। बता सकते हैं, क्लियर कर हाँ सकते हैं, क्योंकि मैं हाँ तो एक मुस्लिम ठीक हूँ है ना, मैंने अपने तरीके से वंशिका को बात करनी है। और अगर आप लोगों में से कुछ गैर मुस्लिम होंगे, कोई हिंदू होगा, कोई क्या, तो वो वंशिका को अपने रिलीजन के हिसाब से भी गाइड कर सकता है। और मुझे भी अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे भी करें। ये नहीं मैं कह रही कि मैं ठीक हूँ, मुझे भी हो सकता है अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, तो प्लीज़ अगर मेरे से गलती हुई है तो मैं भी सॉरी करती हूँ। और आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। तो अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और चैनल पर नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।